थूर में रूण माता मंदिर में संपन्न हुई कांग्रेस ए व बी ब्लॉक की बैठक। राजस्व मंत्री ने जयपुर रैली में आने का दिया न्योता। उदयपुर, मंगलवार को थूर की पाल के समीप स्थित रूण माता मंदिर परिसर में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के ए व बी ब्लॉक की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्व व जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि 12 दिसंबर को महंगाई के विरोध में AICC व PCC के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी रैली का आयोजन प्रस्तावित है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को बूथ के 5-5 कार्यकर्ताओं के साथ रैली में भाग लेने का न्योता दिया। बैठक को CWC मेंबर रघुवीर मीणा, एकट अध्यक्ष जगदीश शिरवाली, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, देहात कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला, बड़गांव के पूर्व प्रधान किशन लाल त्रिवेदी ने संबोधित किया। इस दौरान सायरा प्रधान सवाराम गमेती, उप प्रधान भरत सिंह बारहाट, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल, हरि सिंह झाला, मांगीलाल चौधरी, राम सिंह चंदाना, नाथूलाल मेघवाल, बड़ुआ गांव सरपंच संजय शर्मा, बड़ी सरपंच मदन पंडित, कठार के पूर्व सरपंच मोतीलाल सुथार, भूताला सरपंच मोहन सिंह सहित कई सरपंच व कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर सौंपे ज्ञापन। बैठक में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं व सरपंच ने जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपे। पारलो का चोरा सरपंच बाबूलाल गमेती व पड़ावली कला के सरपंच भवनलाल गमेती ने ज्ञापन देकर PMGSY के तहत बनी सड़कों के प्रतिबंधित हो जाने की बात बताते हुए उन लड़कों व पेवर करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि पड़ावली कला मुख्य सड़क से पारलो का चोरा, पड़ावली कला से मादड़ी, मेन रोड से सादड़, मुख्य सड़क से नायावास तथा सड़कों पर पेवर करवाने की जरूरत है। सरपंच ने बताया कि वाकल की वीरपुरा वास, समीजा मादड़ा, पारलो का चोरा, पड़ावली का पड़ावली खुर्द, कुकड़ा खेड़ा व अंबावा गांव पंचायत आदिवासी बहुमूल्य हैं। यहां के गरीब परिवार के नाम खास सुरक्षा योजना में जोड़ने के लिए विभाग की वेबसाइट बंद होने से नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। उन्होंने वेबसाइट चालू करवाने की मांग की है। पहला सवाल, प्राथमिकता क्या तय की है? प्राथमिकता कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है, मुख्यमंत्री जी की जो बजट में जो घोषणाएं हुई है, मेरे विभाग की 40 घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने बजट में की, लगभग 30 पूरी हो चुकी है, 10 वो प्रोग्रेस में है। इसके अलावा जो आने वाला नेक्स्ट बजट है या घोषणा जन घोषणा पत्र बना हुआ, उसमें जो चीज़ें वही मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी, जो कैंपों के अंदर अड़चने आ रही हैं, जो मीडिया के माध्यम से भी आ रही है, तो बाकी जनप्रतिनिधि भी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद महोदय, सरपंच साहबान, ये और हमें लिखित में दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को नियमों में सरलीकरण करके किया जा रहा है। जैसे अभी खाददारी का हमने ऑर्डर किया है, अभी जस्ट गैर खाददारी 1981 से पहले के जो कई ऐसे लोग हैं, यहाँ पे भी मेरे सुबह 3-4 तहसीलदार आ गए थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया साहब मेरे एरिया में कहीं 100 बाकी, कहीं 50 बाकी है, जो ऐसे लगभग 15,000 केसेज बरसों से लंबित राजस्थान में, 1,00,000 लगभग 81 से पहले के ऐसे अलग अलग गैर खाददार जो बरसों से रेवेन्यू बोर्ड या SDM कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, वो एक ही ऑर्डर में मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दी और खाददारी मिल रही है। ये ऑर्डर करने के बाद भी अगर अड़चन आ रही तो उनको सबको हम गैर खाददार को खाददार देंगे। ऐसे ही जो कुआं नियमन है, ऐसे ही जमीन नियमन है, जो 2005 से पहले अतिक्रमी माना जाता था, P14 91 की जो पेलेंटी रसीद जिसके पास होती थी, उसकी सीमा हमने बढ़ा के 2015 तक की है। तो ऐसे कैसे जो सर्वे करा के तहसीलदार जी के पास है, उनको भी हम नियमन करने का काम कर रहे हैं। कुएं नियमन है, ट्यूबवेल नियमन है, अब सबसे बड़ी समस्या आ रही पेरा फेरी में पट्टे नहीं मिलना, चरागाह में कई लोगों ने मकान बना दिए, ऐसी जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी गरीब आदमी रहने में जगह नहीं थी, बना चुके हैं, तो उसमें हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, फिर भी हमने समीक्षा कराई है और उसमें कुछ छूट मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, तो कैबिनेट मीटिंग में आ रहा था, ये दोनों चीज़ें भी जो अड़चने हैं उसको भी हम हल करने में पूरा जोर लगा रखा है। जो आप आने वाले समय में आप सुनोगे कि रैली के बाद बहुत अच्छी सफलता राजस्थान में, लाखों लोगों को उस एक फैसले से मुख्यमंत्री जी से, हमारे विभाग से फ़ायदा होगा, जिसमें
आपका उदयपुर डिवीजन भी, उदयपुर जिला भी, यहाँ की जो तहसीलें हैं या हर गांव है, ये पंचायत है, सभी को उसमें फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं लोग बसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर एससी एसटी के लोग हैं, ओबीसी जनरल के कम लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग जो बैठे, तमाम लोगों को ऐसा बड़ा फायदा होने वाला है। इसी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। भीलवाड़ा में आपने एक शुरुआत करी थी कि जो नोमेड्स है, घुमंतू समुदायों के लोग हैं, उनको पट्टे देने वाली, जयपुर में भी वो बात करी थी, इसको अगुवाई आप लोगों ने करी थी जहां तक मुझे मालूम है। तो चूंकि आप यहां के प्रभारी मंत्री हैं, ये गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र है जहां हम खड़े हैं, यहां से लेके आगे तक 25-30 किलोमीटर के रेडियस में कई घुमन